ने उनकी टीम भी संभाल रखी है, उनका इंस्टाग्राम भी संभाल रखा है और उनका शायद से मुझे लगा थोड़ी बहुत टाइम में पोस्ट प्रेजेंटेशन सेरेमनी भी वार्नर ही संभालेगा, क्योंकि वार्नर के पास कप्तानी का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। लो जी, क्रिक बाजी में आपका स्वागत है। बहुत बड़ा मैच राजस्थान वर्सेस दिल्ली, एक टीम के लिए सर्वाइवल की बात है, एक टीम पहुंची हुई है बड़े ऊपर। मैं हूं राहुल मागिन, मेरे साथ है शिखर वार्ष्णेय, स्वागत है जी आपका। तो ये बनी है आज दिल्ली, मैं बना हूं आज राजस्थान, तो मैं काफी अनसर्टेन हूं कि मैच होगा नहीं होगा। मैं काफी परेशान हूं, मैच हो जाएगा। अच्छा, अनसर्टेनिटी इस चीज की है कि भाई तीन ही मैच बचे हैं दिल्ली को, तीनों के तीनों जीतने हैं, एक भी हारे तो मुंबई की तरह अच्छे रन रेट से भी जीतने हैं, वो प्रेशर भी है। दूसरा, ऋषभ पंत ने पोस्ट प्रेजेंटेशन में भी बोला कि यार हमारे पेटों में इंजेक्शन लग रहे हैं, हमारे यहाँ कोविड केसेस निकल के आ रहे हैं, तो हमारी टीम बहुत अनसर्टेन है उस मामले में। तो फिर ऐसा करते हैं, पहली यही बात, भाई 10 टीमें खेल रही है, दिल्ली ही की टीम को ऐसा क्यों हो रहा है कि सबसे ज्यादा केसेस उनकी तरफ आ रहे हैं, सबसे ज्यादा बीमार उधर पड़ रहे हैं? ज्यादा भी नहीं, उन्हीं की टीम ऐसी है जिसमें केसेस आ रहे हैं, ज्यादा केसेस आए हैं। इससे पहले भी दो थे, और दिल्ली की टीम जब से आईपीएल शुरू हुआ है ना बड़ी परेशान है, कि पहले तो प्लेयर्स नहीं थे जो ऑस्ट्रेलिया वाले बंदे थे, उसके बाद वो आए, फिर कोविड आ गया, फिर कोविड में वो दो चार बंदे बाहर रहे, फिर दोबारा से एक आध मैच जीते, फिर कोविड आ गया। ऊपर से चक्कर क्या होता है, जो प्लेयर फॉर्म में होता है, जैसे पृथ्वी शॉ फॉर्म में था, बहुत तगड़ा चल रहा है, अब वो बेचारा हॉस्पिटल में, ऊपर से ऑनरिक नोकिया वो देखो पहले तो खेला ही नहीं, फिर बेचारा खेला और मतलब अभी खेलना शुरू है, और मुझे उसके ऊपर भी अनसर्टेनिटी लगे। हाँ, हिटमायर, हेटमायर का भाई वो अपनी फैमिली के पास चला गया, क्योंकि उसकी फैमिली में कोई बच्चा पैदा होने वाला है, तो उस वजह से उसने भी टीम का साथ छोड़ दिया। वो भी एक प्लेयर था जो बड़ी अच्छी फॉर्म में चल रहा था। तो यहाँ पे भाई मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही हैं दिल्ली के लिए। वार्नर ही बचा है अब, जो बैटिंग पूरी तरह से अपने ऊपर संभाल रखा है, मतलब वही है, अगर वो सेंचुरी मार जाए तो दिल्ली मैच जीत जाएगी। वार्नर ने उनकी टीम भी संभाल रखी है, उनका इंस्टाग्राम भी संभाल रखा है और उनका शायद से मुझे लगा थोड़ी बहुत टाइम में पोस्ट प्रेजेंटेशन सेरेमनी भी वार्नर ही संभालेगा, क्योंकि वार्नर के पास कप्तानी का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। अब देखते हैं भाई उनका जो ऋषभ पंत, ठीक है, ऋषभ पंत कभी चल रहा है फिर आउट हो जाता है, वो बड़ा अनसर्टेन, वो 20-25 रन की इनिंग सेट हमें दिखती है बट वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे कि वो एक लंबी इनिंग्स बन पाए। ललित यादव एक बंदा है जो मतलब बीच बीच में चल जाता है, कभी कभी मैच जिता भी जाता है, तो पर आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर आप चलने वाले बंदों की बात कर रहे हो तो रोमन पावल वो बंदा है, उसने बड़ी बार मैचेस जिताए हैं, एंड तक लेके गया, अगर नहीं भी जिता पाया तो एंड तक लेके गया है, तो मतलब एंडिंग पे जो हम कहते हैं लोअर ऑर्डर में, लोअर ऑर्डर में एक ऐसा बंदा है जो आपको मतलब थोड़ी स्टेबिलिटी देता है, बट उसका स्ट्राइक रेट हमेशा ज्यादा रहता है, अच्छा, हमेशा 150 से ऊपर, तो वो दिल्ली के लिए बड़ी कंफर्टेबल बात है कि भाई एंड में रन पड़ रहे हैं जल्दी। पर दिल्ली का अगर लास्ट मैच की बात करें, बड़ा ही तगड़ा कॉन्फिडेंस टूटा है, बिकॉज इस आईपीएल में सबसे ज्यादा मार्जिन से दिल्ली हारी, वो भी चेन्नई से 91-92। क्या धोया है यार, मैं मुझे दिल्ली की बात नहीं करनी पर चेन्नई ने क्या धोया है, मतलब ओपनिंग पार्टनरशिप 125 रन की, और उसके बाद नीचे जो प्लेयर्स आ रहे हैं सब मार रहे हैं, धोनी का मतलब धोनी के स्ट्राइक रेट की बातें हो रही हैं, तो दिल्ली के बॉलर्स काफी अंडर कॉन्फिडेंट होंगे। पिछले मैच की बात करें तो उसके बाद से, तो ये मैच जीतना उनके लिए बहुत जरूरी है, और सामने एक ऐसी टीम है राजस्थान जो नंबर 3 पे इस समय टेबल पे, नंबर 3 पे, भाई साहब मतलब वो ये इतनी अच्छी पोजीशन पे है, इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, और ऑलमोस्ट 11 में से 9 प्लेयर फॉर्म में, उनका आराम ये है कि भाई वो अब चेंजेस भी कर सकते हैं अपनी टीम में, क्योंकि उन्हें पता है एक रात मैच ही जीतना है कंफर्टेबल पोजीशन में। बट और मुझे लगता है वो ये वाला मैच राजस्थान और दिल्ली की बात हो रही है, तो चहल और कुलदीप की बात होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कुलचा का जो कॉम्बिनेशन है भाई, ये इन्होंने पूरा आईपीएल हिला रखा है, नंबर 1 नंबर 2 उसके 22-23 विकेट हैं, ये भी 18-19 पे चल ही रहा है कुलदीप यादव, तो दोनों बॉलर्स ऐसे हैं जो इंडियन टीम में अपनी जगह ढूंढ रहे हैं, और उसके बाद आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर। देखो जी, अगर हेड टू हेड की बात करें तो बड़ा क्लोज मामला है, 25 मैच हुए हैं दोनों टीमों के बीच में, दिल्ली ने 12 जीते हैं, राजस्थान ने 13 जीते हैं, बट अभी की बात करें तो राजस्थान डेफिनेटली बहुत अच्छी पोजीशन में है। जॉस बटलर, अरे यार यशस्वी जायसवाल, मतलब वो शुरुआत में खेला नहीं चल पाया, उसके बाद ड्रॉप कर दिया, अभी दोबारा से आया है, 65 रन की इनिंग्स, बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, और वो जितना मतलब मेरे जैसे यशस्वी जायसवाल एकदम पतला सा दुबला मरा हुआ था, ठीक है, पर वो भी इतना अच्छा खेल रहा है भाई, अच्छे अच्छे शॉट्स मारे यशस्वी ने, मिडिल ऑर्डर भी बहुत अच्छा चल रहा है, और फिर अगर नीचे आते हैं अश्विन भी कभी कभी स्ट्रोक्स मार जाता है, रन मार जाता है,
और इस बार पिछली मैच में देखा आपने अश्विन ने जो एक बॉल कराई थी बड़ी डिफरेंट बॉल कराई, लोग क्रीज के आगे आगे रहते, उसने क्रीज के जहां अंपायर खड़ा होता है ना उसके भी पीछे से बॉल, मतलब स्टंप्स ही मान लो आप सीधे जहां पे स्टंप्स होते हैं, अंपायर जहां खड़ा होता है ना वहां से बॉल फेंकी, बड़ा नया एक्सपेरिमेंट किया है। तो अश्विन इज नोन फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। अश्विन और विराट कोहली दो ऐसे प्लेयर हैं जब वो कैमरा के सामने आते हैं तो लगता है कुछ कुछ तो करेंगे, ये वो कैमरा पसंद आता है उन्हें। सही है यार, तो आज का मैच बड़ा जबरदस्त होने वाला है बिकॉज एक टीम दिल्ली जो सर्वाइवल के लिए तरस रही है, अगर आज का मैच हारती है तो डेफिनेटली टूर्नामेंट से बाहर। ये मैच जीतना भी है और अच्छे जैसे शिखर ने कहा अच्छे रन रेट से। प्रेडिक्शंस पूछूं मैं, क्योंकि अब हमें पता ही है कि बटलर चलते हैं, चहल चलते हैं, कुछ क्या रहा है बटलर आज कितने रन मारेंगे दिल्ली के? यार मैं चाहता हूँ एक और सेंचुरी। पर्पल कैप की रेस में आई थिंक सबसे ऊपर है वो, तो और कोई कॉम्पिटिशन भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि एक और सेंचुरी, क्योंकि इस वक्त दिल्ली के हौसले थोड़े से पस्त हैं, तो चांस है कर सकते हैं। चहल ज्यादा विकेट रहेगा या फिर कुलदीप यादव ज्यादा विकेट रहेगा? चहल, या इन दोनों के बीच में अश्विन विकेट रहेगा? चहल। चहल, ओके। टीम आपको कौन सी? मुझे लग रहा है राजस्थानी जीतती हुई दिख रही है। मुझे लग रहा है मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं दिल्ली का बंदा हूँ, बट राजस्थान आपको समझ आ ही गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो राजस्थान जीतती हुई दिख रही है। और आपकी आखिरी प्रेडिक्शन कि अगर जो भी टीम टॉस जीते, जो भी कप्तान टॉस जीते, तो क्या करना चाहिए फिर, बैटिंग या बॉलिंग? यार मुझे टॉस से तो अब कोई लेना देना रहा ही नहीं है बिकॉज देखो लास्ट टाइम दिल्ली की बात करें तो उन्होंने टॉस जीता, पहले बॉलिंग ली फिर भी मैच हारे, अब बताओ क्या है? तो जब तक आपके बंदे ही नहीं चल रहे, जब तक आप परफॉर्म ही नहीं कर रहे, ऑल डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस, ऑल डिपेंड्स की इस बार ड्रेसिंग रूम में कितना मोटिवेशनल स्पीच रिकी पोंटिंग देते हैं ताकि चक दे इंडिया, उस तरह की कुछ मोटिवेशनल स्पीच चाहिए। 70 मिनट हमारे पास, 70 मिनट नहीं 70 नहीं 20 ओवर है आपके पास, 20 ओवर छा जाओ बस, कमाल कर दो। 20 नहीं यार, दिल्ली की जैसी हालत है उन्हें पूरे 40 ही सोचने पड़ेंगे कि 40 ओवर है हमारे पास, तो कुछ खतरनाक कुछ मिरेकल चाहिए ड्रेसिंग रूम से, पंप होके आए कुछ ऐसा जैसे जादू कर दे। पिछली बार जो पंप थे ना, वो जो नो बॉल वाली पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी और उसके बाद भी दिल्ली हार रही थी, तो रिकी पोंटिंग कुछ जादू चला दे तो ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज मुझे ये 70-30 मैच लग रहा है, 70 इन फेवर ऑफ राजस्थान। वो बात अलग है कि दिल्ली वाला रिवेंज वाले मोड में आए कि भाई पिछली बार इसमें ट्रांड हुआ था, इस बार पेलना है। पेलने से याद आया क्रेटवाजिटी में रेविन, जिसमें हम दोनों ट्रॉफी पेले, ये पेल आया था, मैंने मैंने कल वाले मैच में 700 रुपए जीता भैया, तो आप इस बार आप मुझे बनाने दो टीम इलेवन सारा, इनकी 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 जितने भी कैमरे के पीछे हुए हमारे सबकी पार्टी आपकी तरफ से, अगर 700 जीती दी है तो ठीक है। आज के ऐसी टीम 11 की तरफ चलते हैं, टीम 11 मैं बनाता हूं, आज क्वेश्चन आप पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि मैं मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस है जीतने का, बट एट द सेम टाइम आपको बता दूं कि इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है, इसकी लत लग सकती है जैसे इसको लगी है, और जो भी आप टीम बनाते हैं सोच समझ के बनाएं, ये हमारी टीम है, तो जोस बटलर और संजू सैमसन हमने दोनों ले लिए हैं बिकॉज दोनों विकेट कीपर्स हैं और बहुत अच्छे बैटिंग भी कर रहे हैं फॉर्म में। बैटर्स हमने लिए हैं डेविड वॉर्नर, रोमन पॉवल, पार्टिकल और यशस्वी जायसवाल। ऑलराउंडर्स में हमने रविचंद्रन अश्विन और मिच मार्श लिए हैं, और बोलर्स युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव और खलील अहमद। ये होगी हमारी टीम। अब बारी है आप जीत सकते हैं जबरदस्त प्राइज, क्वेश्चन का आंसर आपको देना है इनको, क्वेश्चन मतलब सबको ही दे दो, नीचे कमेंट सेक्शन में दे देना क्वेश्चन का आंसर। आज का सवाल ये है कि आईपीएल की हिस्ट्री में कौन सी बेस्ट बॉलिंग फिगर रही है और वो फिगर किस बॉलर के नाम पर है, समझे सवाल? तो दो सवाल हो गए, तो पाजी दोनों ही बताने ना, कि फिगर बता दो या नाम बता दो। अच्छा एक सवाल पूछ लो या तो चलो ये नाम बता दो, हां आसान करते हैं, बॉलर का नाम बताओ, कौन से प्लेयर ने बेस्ट बॉलिंग फिगर फेंकी है इस आईपीएल में, वो बताना है आपको फीवर के ऑफिशियल हैंडल पे, एचटी स्मार्ट प्लस के ऑफिशियल हैंडल पे, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, आसान क्रम वो है थोड़ा सा, वरना shikhar_vr राहुल मार्टिन 1 ऑन इंस्टाग्राम। एंड देन भाई कल भी मैचेस हैं और मैचेस रोज ही रोज हैं, अब तो कल हम आपको नई टी शर्ट में दिखेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।